कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का दंगल जारी है। इस बीच पहलवानों ने एक कदम से मंगलवार को दिन भर गहमागहमी की स्थिति बनी रही। पहलवानों ने अपने मेडल गंगा नदी में बहाने का ऐलान किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम को पहलवान हरिद्वार स्थित हड़की पौड़ी पर पहुंचे, लेकिन ऐन मौके पर किसान नेता नरेश टिकैत की एंट्री हुई और उन्होंने पहलवानों को समझाकर उन्हें मेडल बहाने से रोक दिया। इसके साथ ही सरकार को मामला सुलझाने के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं रेसलर के आंदोलन की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देने लगी है। रेसलिंग के सबसे बड़े संगठन ने भी इस मामले में बयान जारी कर चेतावनी दी है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने आंदोलन कर रहे पहलवानों के हिरासत में लिए जाने की निंदा की है। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 45 दिन के अंदर भारतीय कुश्ती महासंघ में चुनाव नहीं होते हैं तो WFI को सस्पेंड किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय एथलीट आगे के मैच देश के झंडे के साथ नहीं खेल पाएंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में न्यूट्रल झंडे के साथ उतरना होगा। ऐसी ही न्यूज अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।